समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। मोह इतना न करे कि बुराइयां छुप जाएं और घृणा इतनी न करे कि अच्छाइयां नजर ही ना आए। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम को टालने की आदत। चाहते हो कि जीवन में प्रसन्न रहो तो मन को खाली कर दो। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी की तरह न राग न द्वेष, यही कारण है कि बांसुरी से मधुर संगीत निकलता है। खाली कर दो इस मन को, मुक्त कर दो राग द्वेष ईर्ष्या बैर घृणा सब से, मुक्त कर दो मन को, फिर देखना आपका जीवन भी बांसुरी की ही भांति हो जाएगा। फिर आपके जीवन से सदैव मधुर संगीत बजेगा। जीवन के 5 सच्चे मंत्र: दर्पण झूठ बोले नहीं देगा, ज्ञान भयभीत होने नहीं देगा, सत्य कमजोर नहीं होने देगा, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा और विश्वास दुखी नहीं होने देगा। कुम्हार जब खड़ा बनाता है तो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर से प्यार से सहलाता है। ईश्वर भी ऐसा ही करता है। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए अपने कुम्हार यानी ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखिए। वो आपको कभी टूटने नहीं देगा। जब व्यक्ति हार मानने लगता है तो आशा धीरे से कान में कहती है, एक बार फिर प्रयास कर। प्रयास, इस शब्द को कभी न भूलना। एक नन्हा सा बालक जो ना कुछ बोल पाता है ना कुछ सोच पाता है, किंतु घुटनों के बल पर समस्त आंगन को नापने का प्रयास करता है। वो खड़ा होता है, गिरता है और फिर से खड़ा होता है, और अंत में वो चलना सीख ही लेता है, क्योंकि वो अपने मन से नहीं हारता। मन से कभी न हारो, प्रयास करते रहो। इंसान कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। खुशी को अपने भीतर खोजो, फिर आप अकेले रहकर भी बहुत प्रसन्न रहोगे। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वो यदि अपराध भी करे तो भी उसके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। यदि हमारे विचार काले हैं तो नियति भी हमारे जीवन में एक दिन अंधेरा ही लाएगी। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म हो तो वो विष है, और ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म हो तो वो ज्ञान अमृत है। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि यदि मन सच्चा हो और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।